नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। एक तो भारत के ट्रेड डेफिसिट से जुड़ी हुई खबर है और दूसरी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी हुई खबर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और जापान के बीच में, उससे रिलेटेड है खबर, और बाकी दूसरी खबर है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। आइए दोस्तों समझते हैं विस्तार से कि दोनों ये खबरें हैं क्या, ये भारत पे किस तरह से प्रभाव डालती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है भारत के ऊपर। तो दोस्तों पहले तो समझते हैं कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या चीज़ है और किसके साथ है। दोस्तों भारत और जापान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 2011 में, वो अभी तक चल रहा था। भारत और जापान एक बहुत ही अच्छे एक फ्रेंडली कंट्री हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी भी दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त के हमेशा काम आता है, उससे एक दोस्त को भी फायदा होता है और साथ में दूसरे दोस्त को भी फायदा होता है। लेकिन भारत और जापान के बीच अगर हम व्यापार की बात करें तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भारत को फायदा नहीं होता है बल्कि जापान को ही फायदा होता है। अगर हम कुछ डाटा भी उठाकर देख लें, जैसे लास्ट ईयर का ही डाटा देख लें, तो भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है जापान को करीब 5.5 बिलियन डॉलर का है, और जो वहाँ से इम्पोर्ट किया है वो करीब 16 बिलियन डॉलर का है। तो अगर देखें 14 बिलियन डॉलर का है, तो कहीं ना कहीं ये 8 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत का नुकसान है, ये डेफिसिट है, ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। ये जापान के फेवर का बिजनेस हुआ, हमारे फेवर का नहीं हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों 2011 से हमने ये ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा था, और तब से आज तक, इवन जब बीच में कोविड आया उसमें भी हम जापान पे कभी भी ट्रेड मतलब माइनस में ही रहे हैं, हमारा इम्बैलेंस ही रहा है, हमारा नुकसान रहा है, हमको उसमें ट्रेड डेफिसिट हुआ है, नुकसान होता चला गया। तो अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बात करी कि हम क्यों ना इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करें और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे व्यापार का संतुलन बन जाए, एक बैलेंस आ जाए, ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, उससे हम भी कुछ कमाएं, सिर्फ नुकसान ही ना उठाएं। तो इसके लिए रिव्यू की बात करी गई है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे और प्रोडक्ट हैं जो हम जापान को बेच सकते हैं, ताकि उस पर जो भी ड्यूटी वगैरह है वो जापान ना लगाए और वहाँ पर वो चीज़ें बिकें। तो एक तो वो चीज़ें होगा। अच्छा, ये किया कब जाएगा? अभी तो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं भारत में, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ये बताया गया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट आने के 100 दिन के अंदर इसको रिव्यू कर लिया जाएगा, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, और इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू के बाद अप्लाई कर लिया जाएगा। अच्छा, ये बात जो भारत ने करी है, सेम बात को जापान ने स्वीकार कर लिया है। जापान ने भी इसका स्वागत किया है कि ठीक है, इसको जो भी हमारा FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम रिव्यू करने के लिए ओपन है, बिल्कुल कभी भी हम कर सकते हैं, एग्रीड है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ये है कि जापान तो एग्रीड हो गया और इंडिया भी एग्रीड है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे और देखेंगे कि किसका कैसा बिजनेस है, ताकि दोनों को फ़ायदा हो। लेकिन सेम चीज़ हमारी आसियान के साथ भी है, जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और आपको बता दें कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें लगभग 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है भारत का। तो भारत ने आसियान कंट्रीज़ के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ भी बोला है कि हमें रिव्यू करना है अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये जो हो रखा है, क्योंकि इसका बैलेंस कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी होना चाहिए, भारत को इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जैसे ही हमारा रिव्यू हो जाएगा तो ये भारत के कुछ पक्ष में आ जाएगा, जो अभी नुकसान हो रहा है भारत का ये चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, जापान ने भी इसका स्वागत किया है, ये चीज़ भारत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ को एक साथ चलना होता है। अच्छा, ये हमें फ़ायदा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जापान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, वो हमारी बहुत तरीके से मदद भी करता है, जापान हमें अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह भी देता है। दोस्तों अब समझते हैं कि एक और जो न्यूज है वो क्या है। दोस्तों दूसरी न्यूज है भारत का ट्रेड डेफिसिट से लेकर के। दोस्तों पिछले साल की अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, यानी कि 22-23 की फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की, तो उसमें भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था ये 121 बिलियन डॉलर का हुआ करता था।
वही ट्रेड डेफिसिट अब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 इसमें जो ट्रेड डेफिसिट है अभी $78 बिलियन का है। तो दोस्तों ये भारत ने इतनी बड़ी जंप लगाई कैसे, अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे किया जो इतना ज़्यादा हो रहा था, और ये भारत के लिए इतनी बड़ी खबर है, मतलब ये समझ लीजिए भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है ट्रेड डेफिसिट का मतलब कम होना, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय था भारत के लिए। दोस्तों ये दरअसल इसलिए नहीं हुआ है कि हमने अपना कोई एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, नहीं, ये दोस्तों हुआ है कि हमारा इम्पोर्ट कम हुआ है। एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो ओनली $0.28 बिलियन का ही बढ़ा है। लास्ट ईयर का अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो ये है 776.68 बिलियन डॉलर का, मतलब 776.68 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट करी है, और उससे पहले साल की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 776.4 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था। इसलिए अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जस्ट 0.28 बिलियन डॉलर का ही बढ़ा है, लेकिन अगर इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट में ज़बरदस्त फ़र्क आया हुआ है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमने $854 बिलियन की इम्पोर्ट करी है, और उससे पहले साल की अगर बात करें तो $898 बिलियन की हमने इम्पोर्ट करी है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, क्या हमने 898 बिलियन डॉलर से जो $854 बिलियन पे आए तो ऐसा क्या हुआ, क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्या जो हमारा इतना इम्पोर्ट कम हो गया और एक्सपोर्ट हम बढ़ा नहीं पाए और ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया $121 बिलियन से $78 बिलियन पे आ गया। तो दोस्तों आइए समझाता हूँ कि पूरी चीज़ है क्या, दरअसल ये कैसे ऐसा हुआ। दोस्तों अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज़ लॉन्च करी थी आत्मनिर्भर भारत, जिससे हम मेक इन इंडिया कर रहे थे, इंडिया में ही चीज़ों को बना रहे थे। तो दोस्तों जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी पहले, उसको अब हमने खुद से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी हद तक। अब दोस्तों जब चीज़ों को हमने खुद ही बनाना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें हम बाहर से क्यों मंगाएंगे, तो जब हम बाहर से चीज़ों को मंगाएंगे नहीं तो हमारा तो इम्पोर्ट बचेगा ही, इम्पोर्ट हमारा कम होना ही था, पहले ज़्यादा इम्पोर्ट होता था अब कम होता था। तो यहाँ से हमने करीब $43 बिलियन बचा लिए। दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा नंबर है कि इसने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट 121 बिलियन से $78 बिलियन पर आ गया। दोस्तों ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अब साथ में भारत को एक काम और भी करना पड़ेगा जिसमें अभी हम पीछे हैं। दोस्तों अभी हमने इम्पोर्ट कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ने चाहिए जो अभी हमारे $0.28 बिलियन की बढ़े। सोचिए ये जैसे ही एक्सपोर्ट हमारे और बढ़ेंगे तो हम कितना बड़ा काम कर लेंगे, कितना हमारा ट्रेड डेफिसिट और नीचे आएगा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि हम ट्रेड सरप्लस की तरफ चले जाएंगे जो अभी ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा दोस्तों ये ट्रेड डेफिसिट हमारा किस में से होता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो दो चीज़ें करते हैं और इम्पोर्ट भी दो चीज़ें करते हैं, एक गुड्स भी करते हैं एक सर्विस भी करते हैं। तो दोस्तों अगर हम जो गुड्स की बात करें तो इसमें हमारा ज़बरदस्त ट्रेड डेफिसिट है, मतलब व्यापार का नुकसान है। ये समझ लीजिए कि हमें $240 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट है, इतना ज़्यादा हम वहाँ से विदेशों से सामान को खरीदते हैं और बेचते कम हैं, मतलब 240 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाते हैं, इतना हमें पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ती है विदेश में। वहीं अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ हम ट्रेड सरप्लस हैं, यहाँ हम $162 बिलियन हम ट्रेड सरप्लस हैं। इसीलिए अगर दोनों को हम ट्रेड डेफिसिट जब निकालते हैं तो गुड्स और सर्विस दोनों का देखते हैं, एक जगह हमको $240 बिलियन का लॉस है, एक जगह हमको $162 बिलियन का प्रॉफिट है, तो नेट में अगर देखेंगे तो $78 बिलियन का हमारा नेट ट्रेड डेफिसिट आ जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो ये है कहानी दोस्तों पूरी हमारी दोनों न्यूज़ों की, कि एक ट्रेड डेफिसिट हमारी आ गई कंप्लीट हो गई, दूसरी हमारी जापान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाती। अब ये जो जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू की जो बात करी आ रही है, इसको दोस्तों ये जो बातचीत चल रही है इसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम है CEPA यानी कि कंप्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इसका नाम है दोस्तों।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह में बैठने वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये नाम। ये दोस्तों अब इसमें जो भी डेवलपमेंट आगे आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।